नमस्ते योर फ्रेंड, आप लोगों के लिए लेकर आई है बहुत अच्छा अच्छा बिग बिग प्लांट, वो भी मदर प्लांट के साथ। ये जो दिखाई दे रही है आप लोगों का बिल्कुल सामने में, एकदम रेड कलर की बन चुका है, आप लोग देख सकती है। ये मिस इंडिया एप्पल बेयर प्लांट है। इसका खूबसूरती और क्वालिटी के बारे में डिटेलली बात करेंगे तो बहुत अच्छा, तो ज़्यादा इसको ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्लांट है ये 1.5 फुट का प्लांट है। आप लोग इसको, हम लोग ऑर्डर जो जिस आदमी ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए हम लोग 1.5 फीट का पौधा भेजते हैं। वो भेजने के बाद वो वाला प्लांट आप लोगों को हम दिखाएंगे। वो वाला प्लांट एक सीज़न में आपको लगभग इतना साइज़ का हो जाएगा, मतलब इतना फ्रूट लगेगा एक एक तो पेड़ में। तो ये पेड़ में फ्रूट लगने से कितना अच्छा बढ़िया खूबसूरत लगता है, और इसको जो मार्केट में लॉन्च कीजिएगा तो एक एक तो पेड़ों में लगभग 20-25 केजी तक इसका फ्रूट मिलता रहेगा। ये जो देखिए बाई की तरफ ऐसी प्लांट मिलेगा, आप लोग बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। मिस इंडिया एप्पल बेयर प्लांट बहुत खूबसूरत और क्वालिटी बहुत अच्छा है। चलिए दूसरा वेराइटीज़ को बारे में हम डिटेल्सली अपडेट देंगे। ये जो देखिए थाई खाजा गोभा प्लांट है, बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत है। इसके बारे में हम डिटेल्सली अपडेट देंगे, तब तक इस वीडियो को पूरे की पूरा देखते रहिए, क्योंकि आज हम मदर प्लांट के साथ दिखाएंगे कौन सी प्लांट में कौन सी फ्रूट मिलता है और किस टाइप का ये फ्रूट खाने में होता है, और इसका टेस्टी ट्रीटमेंट डिटेल्सली अपडेट देंगे। सब पूरा की पूरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग यूट्यूबर है हमारा, बहुत अच्छा, मेरा घर का मेहमान की तरह है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं थाई खाजा गोवा प्लांट है। इसका जो प्लांट की खूबसूरती और क्वालिटी बहुत अच्छा बढ़िया प्लांट है। ये गोवा एक एक पेड़ में लगभग 30-25 केजी तक इसमें गोवा मिलता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं चारों पीसों में 1 केजी के हो जाएगा। मतलब आप लोग बिल्कुल देखिए, 4 पीस में 1 केजी, एक एक तो डाली में 7-8 पीस 10 पीस करके प्लान लगा हुआ। ये अमरूद का प्लांट है, जो ये लगभग 1.5 साल का प्लांट है। आप लोग इसका फार्मिंग कीजिएगा तो बिल्कुल ये 2 फीट का हाइट का प्लांट मिलेगा, जिस प्लांट में आप लोग 1 साल के बाद ऐसी पेड़ मिल हो जाएगा, तब इसका आप लोग इतना फ्रूट मिल जाएगा। तो ये थाई खाजा का खाने में टेस्टी होता है, और इसको काटने के बाद थोड़ा वाइट कलर की लगता है, और इसका जो अंदर है एकदम बहुत सादे से बहुत टेस्टी होता है, और इसका बीज जो होता है एकदम छोटा छोटा साइज़ का, ज़्यादा बीज नहीं होता है। आप लोग इसको जब रोपण मतलब फ्रूट लगेगा, फुलवर के बाद जब फ्रूट लगेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसको रखना होगा थोड़ा प्लास्टिक का बैग लेके बांधना होगा। बांधने के बाद इसको जो देखने में इतना चमकेगा, इतना शाइनिंग्स होगा, जैसे जितना छोटा छोटा हल्का हल्का धूप लग रही है ऐसी चमकेगा। अब चिमकी जब खोलिएगा तो इतना उसका खूबसूरत, इसका उसका इतना उसका क्वालिटी होगा, जो मार्केट में आप लेके जाइएगा तो बहुत अच्छा खास उसमें बिक्री होगा। हमारी अंदर से बहुत बढ़िया प्लांट है। इसको जो हम ये थोड़ा पीछे वाला का वीडियो हम आज रिवाइट करके दिखा रही हूँ, जितना वीडियो है उसका हम रिवाइट करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि सालों सालों में इतना फ्रूट लगेगा, इतना आप लोग फार्मिंग करने के बाद इसमें किसानों की बहुत अच्छा फायदा होता है। अमरूद का जो प्लांट है, आप लोग कोई भी अमरूद का प्लांट आप लोग मांग सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जितना वैरायटीज़ का प्लांट है इसमें आप लोगों को फ़ायदा के लिए हम दिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो मदर प्लांट है उसी में से हम लोग ग्राफ्टिन करते हैं, जो ग्राफ्टिन के बाद आप लोग इतना फ्रूट मिलता है। देखिए तो किशन भाई साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे जितना यूट्यूबर सारी हैं,
सबका वो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए क्योंकि आप लोगों के लिए हम बनाते हैं ये सब वीडियो दिखाने के लिए, और प्लान को हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं आप लोगों को पाँच पहुंचाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जब ये प्लान को बैठाने के बाद इसको नया ब्रांच निकालने का तरीका देखिए। यहाँ से थोड़ा सा हल्का से राउंड करके इसको बांधना पड़ेगा, जब ये बैंड हो जाएगा तब इसमें से नया नया ब्रांच निकलेगा। मतलब एक खेती का कमर्शियल का बहुत अच्छा खास इसका प्रोडक्शन मिलने वाला है। प्रोडक्शन लेने के लिए आपको ऐसे करके बांधना होगा तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होगा। ये किसानों की ये जो प्लान को हम दिख रही है ये किसानों के लिए ऐसे करके बांधना होगा तो ज़्यादा इसमें फ्रूट लगेगा, तब इसको आपको सीजन में बहुत अच्छे इसमें फ़ायदा मिलेगा। ये जो प्लांट बिल्कुल देख सकती है, हमारा इलाका में हमारा बंगाल में इसका रेट होता है लगभग 70-80 रुपया बिक्री चलता है। तो आप जहाँ से है जिधर भी है अमरुद जहाँ जैसी वैरायटीज़ का चलता है तो इतना अच्छा खाजा का गड़ाप देखते हैं, देख के इसका रेट हो जाएगा दूसरा टाइप का रेट होगा। क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तो कोलकाता की एक एक जगह में जैसे हम जाएंगे सॉल्ट लेक में जाएंगे तो वहाँ का रेट अलग है, क्योंकि वहाँ थोड़ा हाईफाई क्वालिटी का चीज़ बिक्री होता है, इसीलिए उसका रेट होगा 100-150 रुपया केजी किलो तक उसका रेट होता है। इसीलिए भाईजान आप लोगों को बताएंगे, आप लोग फार्मिंग कीजिए तो ऐसी प्लान मिलेगा, देख सकते हैं दाईं तरफ ऐसी प्लान मिलेगा, आप उसका रोपण करने के लिए ऑर्डर कीजिए। दूसरा वेराइटीज़ दिखाएंगे, ये थाईलैंड वेराइटीज़ का काटीमोनी मैंगो प्लांट है, आप लोगों को हम दिखा रही हूँ, देखिए ये ऑल टाइम मैंगो ऐसे झूलते रहेगा। सब प्लान में ऐसे फ्रूट है, मैंगो है। ये जो आम है एक बहुत बढ़िया सा आम है, क्योंकि ये आम का जो स्वाद होता है एकदम मीठा जैसा होता है, और इसको जैसे बाहर का ये जो छिलका है बाहर का पोजीशन भी आप टेस्ट कीजिएगा तो वो मीठा लगेगा। ये 12 महीने ऐसे ही मैंगो रहेगा, इसमें आप लोगों का कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी एक मैंगो आम के बारे में हम बताएंगे तो एकदम बिल्कुल बेटर क्वालिटी है काटीमोनी मैंगो। काटीमोनी मैंगो अभी इसका डिमांड है इतना, थोड़ा रेट थोड़ा बढ़ गया, अभी ये बहुत अच्छा चल रही है। मेरे किसानों भाईजान आप लोगों के लिए ये जो प्लान दिख रही हूँ काटीमोनी मैंगो और ऑल टाइम मैंगो की, जो पेड़ों में कितना अच्छा झूल रही है, ऐसी सालों सालों भर ऐसी प्लान में अब हमारा प्लान को मदर प्लांट से हम देख के आ रही है ऐसे आम झूलता है तो बहुत बढ़िया लगता है। हम लोग इसी में से ग्राफ्टिंग करते हैं। अभी जो मैंगो का है इसीलिए ग्राफ्टिंग रोक के रखा है, कुछ ही दिनों में फिर चालू हो जाएगा ग्राफ्टिंग। हमारे पास ग्राफ्टिंग प्लांट अवेलेबल है। तो दोस्तों किशन भाई, हम आप लोगों के डिटेल्स लिए अपडेट वीडियो को पूरा की पूरा देखिए, और अपडेट के बारे में हम डिटेल्स लिए अपडेट देंगे। क्योंकि ये जो प्लांट मैंगो का पेड़ आप लोग लगाइएगा, मैक्सिमम में 10-12 फुट का गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि गैप रख के इसको आप खेती बना सकते हैं। कोई भी प्लांट का 10-12 फीट का गैप रखने से खेती अच्छा बनता है, क्योंकि इसका डाली जो होता है थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तब इसको छू नहीं पाता है। तो आप लोगों को ऐसी प्लांट मिलेगा, बिल्कुल देख सकते हैं इसका जो 2-1.5 फुट का हाइट का है, और भी बड़ा प्लान का हाइट आप लोगों का चाहिए तो बिल्कुल ले सकते हैं। ग्रेप्स का देखें, ग्रेप्स का अभी हमारे मोहल्ले में ऐसी ग्रेप्स मिलता है बंगाल का मोहल्ला में, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा बंगाल का घर का पास ही है, ये थोड़ा गार्डन में देख सकते हैं कितना अच्छा झूल रही है। और आप क्या बताऊँ आप लोगों को, ये सच में आप कोई आदमी पूछता है ये खट्टा होगा, अपने रब की कसम खाती हूँ ये खट्टा नहीं है, बिल्कुल मीठा है। हम खुद टेस्ट
करके हम लोग खाते खाके टेस्ट करके आप लोगों को दिखाई। तो ये रब की कसम खाते हूँ, ये बहुत अच्छा मीठा है। और इसका थोड़ा अंदर में देख सकते हैं, थोड़ा सीट है, एक दो पीस सीट है। ये जब पकता है मैच्योरिटी होता है, ये ग्रेप्स अंगूर, ये मैच्योरिटी होने का टाइम जब होता है आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा काला काला रंग का है, ग्रीन पूरा नहीं, थोड़ा ग्रीन है, मतलब ये जब पक जाएगा ये थोड़ा वाइट कलर बन जाएगा। वाइट कलर का मतलब है हल्का हल्का सादा सादा रहेगा, उसी टाइम इसको खाइएगा तो बहुत मीठा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। क्योंकि हमारा मोहल्ला में ऐसी ग्रेप्स बहुत आदमी, सारी आदमी देख देख के चमक रही है। और ये प्लान खुद का घरों में बैठा रही है, घरों में लगा के ये सब प्लान देख रही है। बहुत अच्छा बढ़िया प्लान लग रही है, अंगूर लग रही है। तो आप लोग इसको भी छोटा छोटा प्लान मिलेगा, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया डिलीवरी हम लोग कर सकते हैं, कर देते हैं। आप जहाँ से है, हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु, इंडिया की, ऑल इंडिया जहाँ से बोलिएगा वहाँ हम लोग डिलीवरी करते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आता है, आप लोग कोई भी प्लान चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर कीजिए। ऑल इंडिया डिलीवरी अभी एकदम फ्री में, क्योंकि हम लोग अभी फ्री में, ये अगस्त का महीने चल रही है, ये अगस्त का मतलब ये फर्स्ट 15 अगस्त तक हम लोग एकदम फ्री रहे, फ्री है होम डिलीवरी, फ्री चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। जितना भी चाहिए, मतलब 100 के पास होना चाहिए, ठीक है, 100 के पास पार होना चाहिए, उसके बाद सब प्लान का हम मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा। प्लान की जितना रेट है वही प्लान लगेगा, और कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग ऑर्डर कीजिए, हमारा जितना वैरायटीज़ का प्लांट है आप लोगों को हम दिखाने चली है। आप लोग कोई नहीं जाना, क्योंकि हमारा यूट्यूबर जितना है, आप लोग मेरा वीडियो की पूरा देखते रहिए। ग्रेप्स का जो पेड़ होता है थोड़ा मोटा होना चाहिए। कोई आदमी इसको बैठाने के बाद पूछता है क्यों नहीं फ्रूट नहीं लग रही है, ग्रेप्स क्यों नहीं लग रही है, तो इसको वेट करना पड़ेगा। और इसका ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब है इसका बॉडी थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। मोटा करने के लिए आप लोगों को इसको थोड़ा सार वगैरह, जैव सार वगैरह, अगर जैसे लाल मिट्टी ऐसे कुछ वगैरह यूज़ कीजिएगा तो ये थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा भागेगा और मोटा भी होगा। मोटा होने के बाद इसमें फ्रूट 100% लगेगा, और 100% फ्रूट देख सकते हैं ग्रेप्स कितना अच्छा लग रही है। और इसको जो डाली है देख सकते हैं कितना मोटा, थोड़ा हल्का मोटा हो गया। अब जब एक बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा डाली, तब इसमें फ्रूट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि थोड़ा हल्का रहेगा तो एक दो पीस, तो दो चट्टो झाड़ी रहेगा तो उसमें से आपको खुश नहीं हो जाए होगी। इसीलिए आपको वेट करना होगा, बड़ा करना होगा प्लान को। बड़ा करने के बाद इतना सारी अंगूर मिलेगा 100%। तो किशन भाई, आप लोग फार्मिंग करने के लिए बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना वैरायटीज़ दिखा रही हूँ वो सब आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसीलिए ये मदर प्लान के एक कितना अच्छा फ्रूट लगता है उसी को हम डिटेल्सली अपडेट आप लोगों को इसीलिए दे रही हूँ। आप लोग देखिए आज का जो वीडियो है, एक ग्रेप्स का जो हमारा थोड़ा गार्डन में जब रखते हैं, मतलब नर्सरी में छोटा पेड़ों में ऐसी फ्रूट लगता है, देख सकते हैं। तो दूसरा वैरायटीज देखिए, ये आप लोग हमारा जो मदर प्लान है आप लोग देखिए, एकदम बिल्कुल रेड कलर की है, रेड ड्रैगन फ्रूट है ये, थोड़ा रेड ड्रैगन फ्रूट का मदर प्लांट है। आप लोगों को दिखा रही हूँ हम मदर प्लांट के साथ, फ्रूट के साथ कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, 100% हमारा तरफ से आप लोगों को इतना गारंटी दे रही हूँ। इसीलिए हम लोग खुद बनाया, खुद टेस्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखा रही हूँ इसीलिए कि ओरिजिनल प्लांट को
फ्रूट लगता है उसी की बात हम लोग सब आप लोगों को पास पहुंचाते हैं। तो मेरे दोस्तों, किसान भाई साथियों, आप लोग फार्मिंग करने के लिए बिल्कुल तरीका देखिए, अभी का अभी जितना वैरायटीज़ दिख रही है कोई नहीं जाना, क्योंकि इस वीडियो में सब प्लान की वीडियो, सब वैरायटीज़ का मदर प्लान के साथ हम दिखाने चली है। तो आप लोग देखते रहिए, हमारा जितना यूट्यूबर है आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का जो कैल्शियम विटामिन होता है बहुत अच्छा होता है। इसको जो काटने के ये जो थोड़ा कलर आ गया, मतलब ये मैच्योरिट होने वाला है, तो इसको उठा के जब हम काटे हैं तो अपनी क्या बोलूँ, बहुत बहुत बढ़िया है। उसका काटने के बाद उसका अंदर देखते हैं, इतना अच्छा सिल्का है, सिल्का पूरा अलग हो जाते हैं, मतलब उसका अंदर एकदम बॉल की तरफ, जैसे क्रिकेट बॉल होता है उसी की तरफ देखने में लगता है, एकदम गोल, पूरा राउंड शेप उसका गोल होता है फ्रूट का। और उसका काटने के बाद क्या बोलूँ, बहुत अच्छा बढ़िया है, सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल है। उसका अंदर छोटा छोटा जो बीज रहता है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खाइएगा तब, हम जब खाए हैं तब अच्छा लगता है, और बीज कोई कुछ खराबी नहीं लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, टेस्टी जो होता है, मीठा सा होता है, बहुत मीठा होता है। और क्या बोलो, इसका कैल्शियम विटामिन हम सुने हैं, कुछ ही डॉक्टर के पास भी हम पूछे हैं तो बोला है इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम है, बहुत विटामिन है, क्योंकि ये जो फ्रूट है लगभग ही इसका जो रेट होता है एक पीस का आपको लगभग 100 रुपया का पाँच पहुँच जाएगा। आप लोग जो देख रही है मदर प्लान के साथ रेड ड्रैगन फ्रूट है, कोई भी प्लान, तीन चार आइटम का, चार वैरायटीज़ का कलर का ड्रैगन फ्रूट का मिलेगा, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो चार वैरायटीज़ का हमारा पास ड्रैगन फ्रूट है, तो आप लोग बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। किशन भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो दिखाई दे रही हो ऐसी प्लान मिलेगा आप लोगों को, हम लोग क्योंकि होम डिलीवरी जब करते हैं तो ऐसी प्लान। नमस्ते किशन भाई, आज हम दिखाने चली है बारी वन शिकी माल्टा। किशन भाई, आप लोगों के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग हमारा प्लान को देखिए, इतना टाइम हम वेस्ट किया है क्योंकि आप लोगों को मदर प्लान दिखाने चली है। देखिए अभी हम कैमरा के सामने आ गया और ये जो देख रही है मदर प्लान के, ये शिकी माल्टा नींबू प्लांट है, एकदम ऑरेंज जूस है, इसका जो जूस होता है माँ कसम एकदम बहुत बढ़िया है, और ये दो तीन टो में एकदम 4 इंची का जो ग्लास होता है, 4 इंची का जो ग्लास होता है जूस का, 2-5 इंची का जो जूस का गिलास होता है, 2-3 टो में आप जूस बनाइएगा तो एकदम पूरा भर जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत और बढ़िया लग रही है, आप लोग देख सकते हैं, ये ओरिजिनल प्लांट है, इतना खूबसूरत, ये जो एक ही टो डाली में है, आप देखिए नीचे भी अंदर देखिए, अंदर में कितना 10-20 टो करके इसमें नींबू लगता है, सच्ची बोलो ये बहुत लाजवाब है। ये जो मीठा वाला एकदम माल्टा नींबू, मतलब मीठा होता है, तो हम लोग ये खुद खेती में लगा के देख लिए, इतना चमकता है इसका फ्रूट, इतना खूबसूरत लगता है, आप लोग देखा है, हम दिखा रही हूँ वही, ये एक ज़्यादा सा ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी, ये मैच्योरिट होने में बाकी है, और भी टाइम लगेगा, फिर भी हम वही प्लान दिखा रही हूँ, क्योंकि ये माल्टा नींबू जो है एकदम सॉलिड बनता है। इसका सॉलिड बनने का तरीका देखिए, ये जब अभी थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा है और भी बड़ा होगा, एक एक तो लगभग ये 150-300 ग्राम तक इसको वेट लगता है, और जो प्लान हम बेचते हैं वही के प्लान देखिए, मदर प्लान से बिल्कुल डायरेक्टली हम लोग ग्राफ्टिंग करके यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये छोटा प्लांट 1 फीट का अंदर ही प्लांट है, तो देख सकते हैं 1 फीट का अंदर ही ये प्लांट रेडी कंप्लीट हो गया, यहाँ से ग्राफ्टिंग चालू है, 5 इंची का बराबर छोड़ के एला वाला प्लांट से, यहाँ से ओरिजिनल वाला प्लांट से हम लोग ग्राफ्टिंग किया है, खुद का प्रूफ खुद ही देते हैं, क्योंकि देख सकते हैं जो प्लांट
मदर प्लांट, उसी से सामने से हम कोई डुप्लीकेट नहीं कर रही है। आप लोग देख सकते हैं मदर प्लांट के पाँच ही हम ओरिजिनल प्लांट ग्राफ्टिंग करके कंप्लीट करके रख दिए। तो किशन भाई क्या बताऊँ, आप लोग हमारा वीडियो को देखिए कितना खूबसूरत लग रही है। आप लोग ऑर्डर कीजिए, प्लीज़ ऑर्डर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। छोटा वाला एकदम मतलब 7-8 इंची का 10 इंची का प्लांट भी मांगता है, क्योंकि बहुत दूर जब जाता है तब इसको भेजने में बहुत अच्छा होता है। हम लोग हमारा जो कार्टून होता मतलब क्रेट होता है, क्रेट के अंदर भेजने का अच्छा होता है, इसलिए गैस का सेफ्टी रहता है। तो ये माल्टा के लेमन का पूरा प्लान देखिए कितना अच्छा बढ़िया लग रही है और उस पूरा रेडी कंप्लीट है। आपको ये मिलेगा 2 फुट का, 2.5 फुट का, 10 इंची का, जितना छोटा बड़ा प्लान भी मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताऊँ, ये जो साइज़ ये देख रही है, ये साइज़ का मतलब है इसका रेट अलग है। 2-10 इंची 1 फीट का हाइट है, उसका रेट भी अलग होता है, क्योंकि रेट जो होता है वो प्लांट के साथ होता है। प्लांट जैसी साइज़ का लीजिएगा उसी के साथ प्लांट का रेट होता है। इसका जो रेट है हम दिखा रही हूँ, इसका लगभग रेट होगा अभी फ़िलहाल 30 रुपया तक इसका रेट है। मतलब ये स्टार्टिंग चालू सब रेट हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए इधर देखिए, छोटा वाला प्लांट है, एकदम 1 साल है, 1 साल इसका उम्र है। 1 सालों में देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बढ़िया लग रही है, जैसे मिट्टी में बैठ के आप लोगों को दिखाना पड़ता है। देखिए कोई भी बच्चा भी अगर वहाँ रहेगा तो वो उठा के खा सकते हैं, इतना खूबसूरत लगता है। देख सकते हैं मिट्टी में बैठे के हम दिखा रही हूँ आप लोगों को, इतना बड़ा बड़ा साइज़ का होता है, तब इसका रेट जो होता है बहुत अच्छा है। इसका ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ता है। जब इसका देखिएगा जब ये सूख जा रही है, क्योंकि मिट्टी में जब गिर रही है कुछ प्लान ख़राब होने जा रही है, तब उसी के लिए आप मेडिसिन वगैरह यूज़ कीजिए, तब अच्छा फ्रूट मिलेगा और चमकेगा। फ्रूट ज़्यादा लेने के लिए आप लोग ऐसी प्लांट ऑर्डर कीजिए, ऐसी प्लांट का देख सकते हैं कितना बढ़िया। ये जो प्लांट दिखाई दे रही हूँ ये लगभग 25-30 रुपये तक इसका प्लांट का रेट होगा। अभी इसका रेट का बारे में आप डिटेल्स बात करना है तो कांटेक्ट कीजिए, और ये हम कुरियर चार्ज अभी नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग एक कुरियर में अभी अगस्त तक रोक दिए हैं, कोई कुरियर चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग ऑर्डर कीजिएगा, होम डिलीवरी हो जाएगा। तो किशन भाई मेरे साथी आप लोग मेरे वीडियो को देख रही है, बिल्कुल आप आज हम दिखा रही हूँ मदर प्लांट के साथ जितना सारी वैरायटीज़ दिखा रही हूँ, दूसरा वैरायटीज़ दिखाएंगे। ये मदर प्लांट का शाम होते जा रही है, तो मदर प्लांट के साथ देखिए थाईलैंड वैरायटीज़ का जो रेड आइवरी मैंगो का प्लांट है, ये रेड आइवरी मैंगो का मतलब है बहुत अच्छा खास प्लांट है। सच्ची बोलूँ तो इसका लाजवाब नहीं है, एक देखिए कितना खूबसूरत है रेड आइवरी का मैंगो का, बहुत बढ़िया प्लांट है भाईजान। किशन भाई फार्मिंग के लिए, होम गार्डन के लिए, तो ऐसे अगर आपको प्लांट में मैंगो झूलेगा तो कितना खूबसूरत लगता है। देखिए साइज़ भी देखिए बहुत बढ़िया साइज़ है। अभी ये सीज़न ख़त्म हो गया, सीज़न ख़त्म होने के बाद भी ऐसे मैंगो मिलेगा, मतलब ये अगस्त ख़त्म हो जाएगा तभी भी इस मैच्योरिटी का हमको लग रही है मैच्योरिटी नहीं होगा, अगस्त के बाद भी मैच्योरिटी होने का चांस है। तो इसको हम टेस्ट करके देखे हैं खुद, बहुत अच्छा टेस्टी होता है, क्योंकि अभी ये कच्चा है और इसको एकदम खट्टा नहीं है, देख सकते हैं। तो अभी मैच्योर होने में थोड़ा बाकी है, और इसका राउंड जो शेप होता है लंबा टाइप का, थोड़ा नीचे का थोड़ा हल्का सोरू टाइप का, बीच का जो होता है, मिडिल का जो होता है एकदम थोड़ा मोटा टाइप का, देख सकते हैं। धीरे धीरे पहले पैदाइश हो गया था,
थाईलैंड में, थाईलैंड से लेकर आए हैं हम लोग ऑल इंडिया, ये अभी सप्लाई के लिए रेडी कंप्लीट है। ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं हम लोग, देख सकते हैं नीचे का साइड में भी। तो आप लोग ये फार्मिंग करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, बेटर क्वालिटी। इसका खाने में थोड़ा काटने के बाद थोड़ा काला दूसरा टाइप का दिखेगा, मैंगो का टेस्ट एकदम अलग सा है, खट्टा नहीं होगा, मीठा सा है। सीड जो होता है एकदम हल्का सा सिल्क चीर श्री सीट होता है, हम लोग उसी सीट से जो एला वाला प्लान बनाते हैं उसी सीट से एला वाला प्लान को ग्राफ्टिंग करके नया प्लान बनाते हैं। यही वाला देखिए नीचे बैठ बैठ के आप लोगों को हम दिखा रही हूँ नीचे में कितना खूबसूरत, नीचे में नीचे बैठ के ज़मीन में गिर रही है ये प्लान। आप लोग देखिए इसका उम्र ज़्यादा नहीं हो, 2-2.5 साल का इसका उम्र है, बिल्कुल देख सकते हैं ये 2-2.5 साल का इसका उम्र होने के बाद भी देखिए कितना आम लगा हुआ। ये आम जो होता है ये पूरा बहुत बढ़िया वैरायटी से, अगर ऐसी एक दो पीस में अगर मतलब एक 20-25 पीस अगर ऐसी आप लोग फार्मिंग कीजिएगा तो आप मार्केट में बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं, इसका मज़ा ले, बहुत और मज़ा है। क्योंकि 10-20 तो अगर मैंगो का पेड़ अगर लगाइएगा तो इसका जो वेट होता है बहुत बढ़िया, और इसका रेट भी ज़्यादा होता है। देखिए कलर भी आया है, थोड़ा थोड़ा रेड होने जा रही है, और भी रेड बन जाएगा रेड कलर की बॉडी का साइज दे, कलर देखिए आप लोग देख सकते हैं रेड आइवरी बिल्कुल बढ़िया साइज़ है, अभी उतना मैच्योरेट नहीं हुआ, फिर भी और भी थोड़ा लंबा होगा और भी थोड़ा मोटा होगा, अभी इसका उम्र ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो आप लोग वेट कीजिए, हम लास्ट वाला वीडियो भी दिखाएंगे ए किंग ऑफ चकापत। तो बिल्कुल देख सकते हैं छोटा वाला पेड़ है एकदम, ये 1 साल का पेड़ है, 1 सालों में इसमें मैंगो लगा हुआ, ज़्यादा नहीं लगा हुआ, 2 लगा हुआ, आप लोग देख सकते हैं ये चकापत बहुत अच्छा खूबसूरत इसका। और ये दूसरा टाइप का जो चकापत का रेड आइवरी का तरफ इसका लंबा नहीं है, थोड़ा राउंड शेप इसका गोल टाइप का होता है, और ये प्लांट का और भी टेस्टी है, उस सब में प्लांट का अलग अलग टेस्टी होता है और अलग अलग टेस्टी, अलग अलग प्लांट का नाम इसीलिए रखा गया। आप लोग किंग ऑफ चकापत और रेड आइवरी मतलब ये दोनों नाम से एक ही है, और ये कोई भी प्लान आप लोग चाहिए तो देखने में एक ही लगता है। आप लोग मदर प्लान के साथ देख रही है हमारा जो ओरिजिनल ग्राफ्टिन वाला प्लांट, आप लोग मांगिए मिल जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ्टिन करते हैं नीचे में जो साइड में रख दिए इसी पेड़ में, देखिए इसमें हम लोग 4-5 तो प्लांट बनाने वाला है। हाँ आप लोग को चाहिए तो एक तो पेड़ों में 4-5 तो वैराइटीज़ का मैंगो का मिलेगा देखने। आप लोग कोई भी प्लान चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी अगर प्लान आप लोगों को चाहिए तो आगे से पहले से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि एक एक प्लान में आप लोगों को देखने को मिलेगा 4-5 वैराइटीज़ का मैंगो का प्लांट है, क्योंकि सब ये सब हाईफाई आइटम का मैंगो का प्लांट का ग्राफ्टिंग किया हुआ। आप लोग कोई भी प्लान आप लोग चाहिए तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बनाने वाला है, अभी इसमें बनाया नहीं, इसमें भी जो भी प्लान चाहिए एक एक तो पेड़ों में वो भी प्लान आप लोग पहले से ऑर्डर कीजिए तब बनेगा। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं हमारा जो इतना वैराइटीज़ का प्लांट है मदर प्लान के साथ हम दिखा रही हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो की बहुत अच्छा लगेगा और भी देखते रहिए, क्योंकि हमारा जो प्लांट आज हम आप लोगों को दिखा रही हूँ इसीलिए आप लोग हमारा वीडियो को देखिए पूरा की पूरा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये रेड आइवरी का खूबसूरत और बढ़िया तो देख ही लिए कितना खूबसूरत लगता है, हमारे हिसाब से ये सब फार्मिंग कीजिए। अगर आप लोग पैसा कमाना है तो बहुत अच्छा होगा, 10-20-25 तो गाछ ऐसी लगाइए तो आम ऐसे मिलेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। किसान भाइयों के लिए
बिल्कुल आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया डिलीवरी अभी फ्री में चल रही है। देखिए कलर ऐसे आएगा 100%। तो आप लोग फार्मिंग करने के लिए ऑर्डर कीजिए। दूसरा वैरायटीज़ दिखाएंगे, KG A4 Thai 4 मैंगो का पेड़ है। जैसे जैसे पेड़ मिलेगा, ये देखिए ये मैंगो लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं, मैंगो जो लगा हुआ इसमें मैंगो ऐसे मिलेगा। तो मैंगो का साइज़ भी हम दिखाएंगे कैसे लगता है। ये जो मैंगो का पेड़ दिखाई दे रही हूँ, इसका साइज़ लगभग ये 5 फीट का बराबर हो गया। कोई भी फार्मिंग करने के लिए बेटर इसका क्वालिटी है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। क्योंकि इसका डाली जो है 2-3 टो करके डाली निकल गया, बिल्कुल छोड़ दिया। छोटा वाला भी प्लांट मिलेगा मैंगो का, आम का कोई भी वैरायटीज़ का आम का प्लांट चाहिए तो हमारा किसान भाई आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जितना वैरायटीज़ का, देखिए ऐसे मैंगो मिलेगा 100% ऐसे मैंगो मिलेगा, इसमें गारंटी है, डुप्लीकेट कोई चांस नहीं। क्योंकि मैंगो भी लग रही है आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोग फार्मिंग करने के लिए बिल्कुल ऑर्डर कीजिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। देखिए नर्सरी के अंदर ही जाके हम खुद ही उसी का कुछ प्लान दिखा रही हूँ, ऐसे ऐसे पेड़ों में जो रेडी है। ये नर्सरी के अंदर जब आइएगा तो तब ऐसे देखने में मिलेगा। अंजीर देखिए, मिशोरी अंजीर है, बहुत बढ़िया प्लांट है। यहाँ देख सकती है एक से लेकर एक तक, इतना वैरायटी, ये जो थाईलैंड वैरायटीज़ का एक से लेकर एक तक इसमें मतलब ये पौधा मिलेगा आपको, प्लांट मिलेगा। आप लोग कोई भी प्लांट आप लोग चाहिए तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल प्लांट का ओरिजिनल ही आप लोगों को मिलेगा। शिफात नर्सरी की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जितना वैरायटीज़ का प्लांट है आप लोग ऑर्डर कीजिए। मेरे किसान भाई हम जब वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों के रिक्वेस्ट है। हमारा ये थाईलैंड वैरायटीज़ का एकदम न्यू वैरायटीज़, अभी लॉन्च नहीं किया, थोड़ा बाकी है, ग्राफ्टिंग चालू नहीं किया उसका, देख लेते हैं फ्रूट उसके बाद दिखाएंगे चालू होगा। एक से लेकर एक तक इसका वैरायटीज़ का प्लांट है हमारा पास। किसान भाई आप लोग फार्मिंग करने के लिए बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जितना वैरायटीज़ का प्लांट है आप लोग मदर प्लांट के साथ हम दिखा रही हूँ। ओरिजिनल जो जितना वैरायटीज़ है ये नर्सरी के अंदर ऐसे ही मिलेगा। आप लोग ऑर्डर कीजिए, ऑल इंडिया डिलीवरी जहाँ बोलिएगा वहाँ मिल जाएगा। इसका रेट के बारे में आप लोग डिटेल्सली बात कीजिएगा तो 10 रुपया, 15 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया तक, और भी जितना जैसी वैरायटीज़ लीजिएगा इसका रेट ऐसे होगा। ये सब क्वालिटी के ऊपर रेट डिपेंड करता है, तो इसलिए बोलूँगा जितना वैरायटी का 25 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो वैरायटीज़ का रेट जैसी बोलिएगा ऐसे मिल जाएगा। कोई भी प्लांट हमारा पास नहीं है, ऐसी नहीं सोचिएगा, जो भी प्लान बोलिएगा मिल जाएगा। तो आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगे होंगी, और इस वीडियो की आगे तो पूरा की पूरा देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी नंबर से कॉल कीजिए, ऑल इंडिया से कुरियर का डिलीवरी हो जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब यूट्यूबर को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा की पूरा देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।